अपने उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट समेत देश के 5 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार इन सभी सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। जिन जगहों पर उपचुनाव होने उनमें ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक एक विधानसभा सीट और यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट शामिल है। चुनाव आयोग के अनुसार ओडिशा की पदमपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुरहानी, छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर, SC ST आरक्षित और यूपी की रामपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इन सीटों पर चुनाव को लेकर 10 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके साथ उम्मीदवारों के नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। वहीं उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। नामांकन पत्रों की छटनी 18 नवंबर को होगी। वहीं उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 21 नवंबर है। ओडिशा, बिहार, राजस्थान, यूपी और छत्तीसगढ़ की इन सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तारीखों का ऐलान की घोषणा कर दी है। गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को तो दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे।